तो वही कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्रेसिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट वाला ट्रिपल टी का फॉर्मूला अपनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मुरादाबाद के कलेक्टर कंपाउंड परिसर में कोविड कंपाउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई। आपको बता दें कि मुरादाबाद में कोरोना के एक भी नए मामले न मिलने पर मुरादाबाद को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस की थर्ड लहर की आशंका के चलते बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, कोविड गाइडलाइन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। 20 मार्च 2020 से लेकर आज 31 जुलाई 2021 तक ऐसा कभी भी समय नहीं आया ऐसा कि जब कोई जनपद में कोई भी सक्रिय केस ना रहा हो। आज पहला दिन एक ऐसा है जिसमें आज जनपद में कोई भी सक्रिय केस मौजूद नहीं है और एक लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति हमारे लिए उत्पन्न हुई है। निवासियों ने, यहाँ के नागरिकों ने जिस तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। मेरा पुनः नगरवासियों से ये अनुरोध रहेगा कि जिस तरीके से पूर्व में हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करते रहें, उसका हम लोग पालन करते रहें। प्रदेश में अब तक 11 जिले ऐसे हैं जो कि कोरोना फ्री हो चुके हैं। सीएम योगी का ट्रिपल टी का फॉर्मूला रंग लाता नजर आ रहा है। सीधे तौर पर ट्रेसिंग टेस्टिंग को आगे बढ़ाकर इस फॉर्मूले पर काम करके एक तेजी के साथ था नियंत्रण की कोशिश की गई, तो मुरादाबाद इसमें कोरोना फ्री हो चुका है। 11 जिले अब तक ऐसे हैं जो कि कोरोना फ्री हो चुके हैं। मुरादाबाद भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ये अगर कोरोना फ्री मुरादाबाद हुआ है तो इसको और कंटिन्यू रखा जाए और अब यहां पर कोई और केस ना आने दिया जाए। तो सीएम योगी का ये ट्रिपल टी फॉर्मूला था जिसके आधार पर यहां पर ये काम किया गया और बेहतर यहां पर परिणाम मिले हैं। शाहनवाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, कोरोना फ्री हो गया मुरादाबाद, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए बिल्कुल, जो अगर बात करें हम मुरादाबाद के जिलाधिकारी की, क्या फिलहाल अगर बात की जाए तो तमाम तरह के मुरादाबाद में जो है कोरोना से लड़ाई के लिए प्रयास किए गए थे और समय समय पर अधिकारी भी इसका पूरी तरीके से संज्ञान ले रहे थे। फिलहाल पूरी तरह से जो है मुरादाबाद कोरोना जो है मुक्त हो गया है और काफी जो है स्वास्थ्य विभाग में भी खुशी देखी गई। अकल जिस तरीके से सभी अधिकारी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी, क्योंकि आज जिस तरीके से किसी तरह की बात की जा रही है तो मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है और मुरादाबाद पूरी तरह से तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी सक्षम दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।